हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, दिस इज चैप्टर नंबर 2 ब्रेक फर्स्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेक, ब्रेक की टेस्टिंग, किस तरह से हम ब्रेक को क्लासिफाई करते हैं, क्या उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, और जनरली जो ब्रेक पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप होते हैं या जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं ब्रिक के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, मॉड्यूलर साइज कह लो या स्टैंडर्ड साइज कह लो, एग्जामिनेशन में आपको या तो मॉड्यूलर साइज का या स्टैंडर्ड साइज का बात, दोनों एक ही है। वो होता है मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक जो होता है वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ये याद रखेगा ये डायमेंशन फॉर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक की अगर हम बात करते हैं, नॉमिनल साइज मतलब मान लो ब्रिक है, ब्रिक के साथ अगर हम मोर्टार भी ले लें तो वो बन जाता है उसका नॉमिनल साइज। अगर हम उसकी बात करते हैं कि ब्रिक विद मोर्टार, तो वो जाता है नॉमिनल साइज। तो उस केस में जो ब्रिक का साइज होगा वो होता है 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। और अगर हम ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक की बात करते हैं जो जनरली यूज होता है हमारा, वो होता है हमारा ये 23 × 11.4 × 7.6 सेंटीमीटर। ये तीनों साइज जो हमने आपको दिए हुए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के इन पे क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी बोले मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक बताओ, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक बताओ, ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक बताओ। तो ये तीनों के तीनों आप याद रखिएगा, इनकी डायमेंशन आपसे कैसे भी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में। उसके बाद वेट ऑफ सच ब्रिक, ये जो हमने ऊपर डायमेंशन जिन ब्रिक का हमने डायमेंशन दिया हुआ है, उन ब्रिक का जो वेट होता है जनरली वो होता है 3 से 3.5 किलोग्राम की रेंज में, लेकिन जो हम जनरली ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम 3 किलोग्राम। उसके बाद इट इज एक्सटेंसिवली यूज एट प्रेजेंट, एक्सटेंसिवली यूज होता है प्रेजेंट बिकॉज ऑफ इट्स ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी, इन सब कारणों की वजह से जो ब्रिक होता है वो एक्सटेंसिवली यूज होता है। लो कॉस्ट की वजह से, इजी अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इनकी वजह से। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रोज इज टू फॉर्म ए की फॉर होल्डिंग द मोर्टार एंड देयर फोर द ब्रिक आर लेड विद फ्रोज ऑन टॉप। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब होता है जैसे मान लो ये हमारी ब्रिक है, जनरली आप देखते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का होता है लिखा हुआ, कुछ कुछ नाम लिखा होता है BMK, AMK, तो इस चीज को वो कह इस चीज को हम बोलते हैं शीयर की, सिंपल की या शीयर की या फिर फ्रोज की कुछ ही बोल सकते हैं आप। इसका यूज होता है होल्डिंग द मोर्टार के लिए, मोर्टार को होल्ड करके रखने के लिए होता है ये, जो जैसे हम बता रहे हैं इस चीज का जो यूज होता है वो होता है मोर्टार को होल्ड करके रखने के लिए। उसके बाद एंड ब्रिक आर लेड विद फ्रोज ऑन टॉप, उसके बाद जैसे मोर्टार को ये होल्ड कर रखेगा, इसके ऊपर हम दूसरी ब्रिक रख देंगे तो फिर वो इसे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग ठीक तरीके से हो सके, इसके लिए हम फ्रोज की यूज करते हैं।
उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिक वर्क, अब हम डिस्कस करते हैं ब्रिक वर्क इज सुपीरियर देन स्टोन वर्क। ये क्वेश्चन आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका इस टाइम बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट होगा, ये क्वेश्चन जनरली आता है एग्जामिनेशन में। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये कन्वेंशनल पेपर में आता है क्वेश्चन, और एसएससी जेई में भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है कन्वेंशनल पेपर 2 में, एसएससी जेई में भी और ईएससी में भी और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये पूछ लेते हैं। इसीलिए ब्रिक्स रजिस्ट फर्स्ट बेटर देन स्टोन्स। पहली बात तो ब्रिक जो होती हैं वो गुड रेजिस्टेंस होती हैं कंपेरिजन टू स्टोन के, मतलब स्टोन के कंपेरिजन में जो ब्रिक होते हैं वो गुड रेजिस्टेंस होती हैं। ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी शेल हैव थिन मोर्टार बॉन्ड। अगर अच्छी क्वालिटी का हमारा ब्रिक होगा तो जो हमें बॉन्डिंग की जरूरत होगी दो ब्रिक के बीच मोर्टार की, वो थिन मोर्टार बॉन्ड की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद ड्यू टू मॉड्यूलर शेप एंड साइज मोर स्पेस कैन बी सेव्ड। मॉड्यूलर शेप और साइज की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा हम स्पेस सेव कर सकते हैं। कैन बी यूज कैंटिलीवर वॉल बिकॉज इट इज लाइट इन वेट। हम क्या करते हैं, हम कैंटिलीवर की वॉल की तरह भी इसे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो वेट होता है वेट वो लाइट होता है, लाइट इन वेट होती है जो ब्रिक्स जनरली होती है। ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी आर मोर ड्यूरेबल। जो गुड क्वालिटी की जो ब्रिक होती हैं वो मोर ड्यूरेबल होती हैं, टेक्सचर भी उनका गुड होता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्शंस एंड ओपनिंग्स कैन बी मेड इजीली कंपेरेटिवली। कनेक्शन और ओपनिंग जो ब्रिक के अंदर होती है वो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं एज कंपेयर टू स्टोन। स्टोन में इजीली नहीं बना सकते लेकिन ब्रिक में हम बना सकते हैं, इसीलिए ब्रिक ज्यादा अच्छी होती हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस इन ब्रिक वर्क एज लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रिक के केस में, पहली बात तो वो लेस होती है और लेस स्किल जो लेबर होती है वो भी इस वर्क को कर सकती है। बट अगर मान लो हमें स्टोन का काम कराना है तो हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी तो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, इसीलिए ब्रिक आर जनरली प्रीफर्ड एंड सुपीरियर देन स्टोन वर्क। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। दीज आर सम क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर कंपटीशन। जैसे अब हम देखते हैं एसएससी जेई में 2008-10 और 2012 में क्या क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज, आपको चार ऑप्शन दे दिए, जैसे 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर। उसने कहा स्टैंडर्ड साइज जो होता है ना ब्रिक का, स्टैंडर्ड साइज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, वो क्या होगा, वो होता है हमारा 19 इंटू 9 इंटू 9। इसीलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की। नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी आर। अब हम क्या करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, कितने मॉड्यूलर ब्रिक की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो ये पूछना चाह रहा है आपका आपसे क्वेश्चन में कि कितने ब्रिक की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, उनने पहली बात तो यहाँ कहा है मॉड्यूलर ब्रिक, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन हो गए। तो अगर मान लो, जैसे मान लो नंबर ऑफ ब्रिक की बात करता है वो ब्रिक, तो उस केस में क्या होगा,
1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में। अब अगर मान लो हम मॉड्यूलर साइज 19 × 9 × 9 ले लेते हैं तो क्या हुआ, कैलकुलेशन हमारा थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे मान लो हमने 19 × 0.09 × 0.09 ले लिया तो हमारा कैलकुलेशन काफी टफ हो जाता है। इस चीज को अकाउंट फॉर करने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में फॉर इजी ऑफ कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक के केस में 0.20, 0.10, 0.10 ये ले लेते हैं। इसके बिहाफ पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा 500। इस चीज को रिमेम्बर रखिएगा डी, जिससे कि हम कैलकुलेशन को इजीली सोल्व कर सके, इसके लिए हमने ये वर्कआउट किया है। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2009 में आ चुका है, एसएससी जेई 2013 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अब हम अपना डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, जो ब्रिक वर्क का जो यूनिट वेट होता है वो जनरली क्या होता है। हम जानते हैं यूनिट वेट होता है हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वेट की बात कर रहे हैं, वेट हमें पता 3 से 3.5 होता है, 3 किलोग्राम ले लेते हैं हम। पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है अगर वो, तो वॉल्यूम में कैसे हम ले लेते हैं कितना, 0.20, 0.10, 0.10। अब यहाँ 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10^-3 कर देते हैं, तो ये जो आता है आपका आंसर, ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाता है 19.2 kN/m³। अब जैसे आपको ऑप्शन दिया 17 to 18, 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21, तो ये जो आंसर आता है आपका इस रेंज में, ये आपका आंसर आता है 19 to 20 kN/m³, 19.2 kN/m³। इसी के बिहाफ पे आपका जो आंसर है वो आपका हो जाता है आंसर नंबर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी जेई 2011 में। अभी आपका ईएससी में ही पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया अभी तक लेकिन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसी के भी आप पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर एनी क्वेरी प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।